हेलो एवरीवन, आई एम अनिल कुमार, योर बायोलॉजी टीचर। होप यू आर डूइंग ग्रेट। आपको काफ़ी मज़ा आने लग रहा होगा एंड आप काम भी अच्छा करने लग रहे होंगे। सो आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे जो ब्रीथिंग ऑर्गन्स है वो कौन कौन से हैं। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन जो है वो पाए जाते हैं। किसी के अंदर तो वो ऑर्गन होता भी नहीं, लाइक जैसे अमीबा। अमीबा जो है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, केवल एक ही सेल जो है इसके पास होती है एंड यही इसकी बॉडी है। तो अमीबा क्या रेस्पिरेशन नहीं करता? करता है। तो ये भी जो है ऑक्सीजन लेता है एंड ये भी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज करता है। अब पानी के अंदर है तो ऑक्सीजन कहां से लेता होगा? तो पानी से ही लेता होगा, और छोड़ेगा तो कहां पे छोड़ेगा? पानी के अंदर ही छोड़ेगा, ठीक है। तो ये छोड़ता कैसे है? तो उसके लिए एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं हम डिफ्यूजन। 9th क्लास के अंदर आपने पढ़ा होगा, कैन यू डिफाइन इट, व्हाट इज डिफ्यूजन? तो जो डिफ्यूजन है, इट इज द मूवमेंट ऑफ गैसेस या वाटर या फिर सॉलिड या फिर कोई भी सब्सटेंस। इट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन। लेट से अगर यहाँ पर जो प्रेशर है किसका? ऑक्सीजन का, वो ज्यादा है, और यहाँ प्रेशर किसका कम है? ऑक्सीजन का जो है ज्यादा है। तो क्या होगा कि यहाँ का जो प्रेशर है ऑक्सीजन का वो ज्यादा होने की वजह से डिफ्यूज इन हो जाएगा। डिफ्यूज इन हो जाएगा कहाँ पे? सेल के अंदर। सिमिलरली अगर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अगर सेल के अंदर कम है, सॉरी अगर ज्यादा है, एंड प्रेशर अगर बाहर कम है, तो प्रेशर जहां ज्यादा होगा तो एक वो एक ग्रेडियंट बना देता है, और ग्रेडियंट बनने की वजह से जो CO2 है वो बाहर आ जाएगा एंड ऑक्सीजन अंदर आ जाएगा। तो पॉइंट नंबर वन भाई, जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सभी रेस्पायर करते हैं बिकॉज दे नीड एनर्जी फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड। सभी को एटीपी जो है रिक्वायर्ड होती है। एटीपी हम सभी को पता है एनर्जी करेंसी है। हमारी बॉडी जो है वो एटीपी को ही समझती है एज एन एनर्जी सोर्स। तो फूड को कन्वर्ट होना होता है एटीपी के अंदर। तो ऑक्सीजन जाती जरूर है, और वो किसके द्वारा जाएगी? अमीबा के अंदर डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा जाएगी। तो इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है भाई? अगर इसका हम रेस्पिरेटरी या फिर ब्रीदिंग ऑर्गन की अगर बात करें तो वो क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ही जाने लग रहा है ना भाई, अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का प्रेशर इनसाइड द सेल कम होता है, इसी वजह से एक ग्रेडियंट बना, और ग्रेडियंट बनने की वजह से CO ऑक्सीजन अंदर आ गया और जो CO2 है वो बाहर चला गया। क्लियर है बीच में बात? अब जो अमीबा के साथ में हुआ, क्या वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ भी हो सकता है? जैसे कि क्या हमारे अंदर हो सकता है? नहीं हो सकता। कारण क्या है? सरफेस एरिया एक बड़ा कारण है। तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन नहीं होता बिकॉज हमारी जो बॉडी है उसके अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल है और सभी एक्सपोज नहीं है बाहर की तरफ। अगर कोई सेल बाहर की तरफ हो तो उसका एक्सचेंज फिर भी हो सकता है, लेकिन हमें एक्सपोज करने के लिए सिर्फ जो है नॉस्ट्रल ही प्रेजेंट है। व्हाट इट मींस के हमारे पास लिमिटेड सरफेस एरिया। तो एक तो कारण ये है भाई, दूसरा वॉल्यूम रिलेटिवली ज्यादा है। तो सरफेस एरिया कम है, वॉल्यूम ज्यादा है। वैसे तो हम इसको दूसरे टॉपिक के अंदर भी समझ सकते हैं, सरफेस एरिया अपॉन में वॉल्यूम रेशियो, बट ये मैं आपको जो है बाद में समझाऊंगा। बट इन जनरल आपकी क्लास के हिसाब से अगर मैं आपको समझाने लगूं तो ये कुछ ऐसा ही है। मान लो एक सेल ऐसी बार है और कई सारी सेल है जो एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है। ये समझाने के लिए है, नहीं तो मैं इसको फिर अलग तरीके समझाता। तो चूंकि ये सेल का पार्ट जो है एक्सपोज है आउटर इन्वायरमेंट को लेकर, तो इसके पास जो है ऑक्सीजन या फिर एक्सचेंज आराम से हो सकता है। लेकिन ये जो सेल बीच में है ये तो बाहर एक्सपोज नहीं है, तो क्या होगा? यहाँ से मटेरियल यहाँ पर जाएगा, या फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, या फिर यहाँ पे जाएगा, ठीक है। और जो यहाँ पे हो तो
तो पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे। लेट्स से बहुत सारी सेल हैं, ठीक है, और बहुत सारी नीचे भी सेल है। अगर कई सारी सेल है और अगर ऑक्सीजन पहुंचाना हो सेंटर में तो कैसे पहुंचेगा? अगर डिफ्यूजन के द्वारा अगर पहुंचने लगे तो फिर तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसी वजह से ऑर्गेनिजम्स विच आर मल्टी सेलुलर दे नीड टू रिक्वायर ए वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम थ्रू विच दे कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ गैसेस एक्सचेंज। सो अमीबा के पास एक ही सेल है, इसी वजह से उसके पास में कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गेनाइज जो है वो प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जैसे कि फिशेज की बात करते हैं, तो फिशेज के पास क्या प्रेजेंट है? गिल्स प्रेजेंट है। गिल के द्वारा वो कैसे एक्सचेंज करते हैं? अब जो फिशेज का सिस्टम अगर हम देखें, तो फिशेज के पास गिल्स हैं। तो ये क्या करती है, जो वाटर है वो अपने पहले माउथ पे लेती है, माउथ को क्लोज करती है एंड फिर प्रेशर से उस पानी को गिल्स पे छोड़ती है, और गिल जो है वो ऑक्सीजन को अलग कर लेते हैं और CO2 को रहने देते हैं एंड फिर उसके बाद में वाटर जो है वो बाहर निकल जाता है। ये जो वाटर है उसके अंदर CO2 की अमाउंट जो है ज्यादा होगी। तो थोड़ा इस चीज को समझे, फिशेज रेस्पिरेशन कैसे करते हैं? गिल के द्वारा करती है। गिल के द्वारा मैकेनिज्म क्या है कि फिश ने जो है माउथ को खोला, माउथ को ओपन किया एंड जब माउथ ओपन करेगी तो पानी इसके अंदर जाएगा, ये माउथ बंद कर लेगी, उसके बाद प्रेशर से ये अपने यहाँ जो इसके गिल्स है उसके ऊपर इस वाटर को फ्लो करवाएगी, और फ्लो करवाने के बाद में ऑक्सीजन को अलग कर देगी, CO2 को अंदर डाल देगी और फिर जो वो वेस्टेड वाटर होगा वो यहाँ से जो है बाहर निकल जाएगा, ठीक है, सिंपल सा है। फिर ये उसके बाद माउथ को खोलेगी, फिर से वाटर को लेगी, बंद करेगी, प्रेशर से गिल के ऊपर जो है पानी डालेगी, और इसके ऊपर पानी डालने के बाद में ये पानी ऑक्सीजन को जो है अंदर की तरफ सेंड कर देगी, जबकि जो वेस्ट वाटर है उसको जो है गिल के द्वारा जो है बाहर कर देगी, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके अंदर एक दूसरा फिनोमेना भी है जिसको कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म, जिसमें क्या होता है कि गिल्स के अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो जस्ट अपोजिट होता है टू दी वाटर फ्लो जो कि माउथ से इसके ऊपर गिरता है, ठीक है। इसके अलावा भाई अगर हम कॉकरोच को देखें, कॉकरोच के अंदर पाया जाता है ट्रैकिया। अब ट्रैकिया क्या है कि लेट्स से एक कॉकरोच है, उस कॉकरोच के अंदर है कई सारे छोटे छोटे इंटरकनेक्टेड पाइप्स जो ऊपर भी गया हुआ है नीचे भी गया हुआ है, लेट्स से सेंटर में सेल है, तो इनके पास होते हैं ये स्पाइरेकल्स, बाहर स्पेसिस है बॉडी के अंदर जिसको हम स्पाइरेकल्स बोलने लग रहे हैं। तो जो स्पाइरेकल्स है उससे एयर जो है यहाँ अंदर जाती है, अंदर जाकर के फिर इस सेल के पास पहुंचती है, और सेल जो है वो ऑक्सीजन लेती है एंड फिर बदले में कार्बन डाइऑक्साइड भेजती है एंड फिर उसके बाद में स्पाइरेकल से जो है बाहर आ जाती है। तो इनके अंदर एक इंटरकनेक्टेड पाइप का सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। फिशेज के अंदर गिल्स प्रेजेंट है। अगर हम बात करें किसकी, अर्थवर्म की, अर्थवर्म, तो अर्थवर्म के पास जो है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन यानी कि स्किन के द्वारा जो है रेस्पिरेशन होता है। तो जो अर्थवर्म है उसके नीचे ही कई सारी ब्लड वेसल होती है, ब्लड वेसल, और एयर इसके कांटेक्ट पे आती है, जब प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है तो ऑक्सीजन इसके अंदर चली जाती है, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज कर देता है क्योंकि इसका प्रेशर जो रिलेटिवली कम होता है, ठीक है। तो
कॉकरोच के अंदर स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन, सॉरी कॉकरोच के अंदर ट्रैकल रेस्पिरेशन, कॉकरोच के अंदर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, फिशेज के अंदर गिल के द्वारा रेस्पिरेशन, हमारे अंदर लंग के द्वारा रेस्पिरेशन, अमीबा के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके द्वारा रेस्पिरेशन। लेकिन चाहे कोई भी ऑर्गन हो या फिर किसी भी रेस्पिरेशन की हम बात करें, उसके अंदर तीन चीजें जो है वो जरूर कॉमन होगी, थ्री कॉमन थिंग्स इन एवरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। पहला हाई सरफेस एरिया, जैसे कि अगर आप हमारी बात करें तो हमारे बॉडी के अंदर एलोलाई मिलियंस में प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं बहुत ज्यादा, वो इसी वजह से, बिकॉज अगर एक बड़ा सा एलोलाई होता तो यहां पर गैस अगर आती तो गैसेस का यहां से यहां और फिर यहां से ब्लड वेसल के अंदर डिफ्यूज होना वो रिलेटिवली ज्यादा मुश्किल होता, बजाय इसके अगर इसके अंदर छोटे छोटे पाउच होते, क्योंकि छोटे पाउच होते तो ज्यादा जो है ब्लड वेसल इसको कवर करती, और जब ज्यादा ब्लड वेसल वेसल कैरी करती तो गैसेस भी जो है यहां से इसके अंदर जो है पास आउट जो है वो हो जाता। अगर आप गिल्स को भी देखेंगे तो जो गिल्स हैं उनके अंदर भी लैमिना काफी ज्यादा डिवाइडेड होता है, एंड लैमिना का डिवीजन इसी वजह से है ताकि सरफेस एरिया जो है वो ज्यादा बढ़ाया जा सके। अगर आप इसकी अमीबा की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करो तो इसके अंदर भी जो सरफेस एरिया है वो रिलेटिव ज्यादा है। अगर आप ट्रैकिया के अंदर भी देखोगे तो उसका भी सरफेस एरिया ज्यादा है। अगर आप अर्थवर्म को देखोगे तो वो लंबा काफी ज्यादा है, इसी वजह से उसका सरफेस एरिया ज्यादा है। वॉल्यूम जो है वो रिलेटिवली कम है, यानी कि उसकी बॉडी रिलेटिवली पतली कम है, लेकिन उसकी जो बॉडी है वो स्ट्रेच जो है वो काफी ज्यादा हो रखी है, तो यानी सरफेस एरिया जो है वो ज्यादा होगा। दूसरा भाई, ब्लड वेसल काफी ज्यादा हाई होगी, यानी कि हाईली वास्कुलर होगा। जैसे कि अर्थवर्म की भी अगर स्किन एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है तो वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन इसी वजह से ही है, बिकॉज स्किन के नीचे बहुत सारी ब्लड वेसल, अगर बहुत बहुत ज्यादा ब्लड वेसल ना हो तो फिर तो कैसे एक्सचेंज जो है वो होगा ही नहीं, ठीक है। हमारे अंदर भी देखिए जो मिलियंस ऑफ एलोलाई है, हर एलोलाई के चारों तरफ जो है ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है, एंड वो जो बहुत ज्यादा ब्लड वेसल प्रेजेंट है उसी की वजह से गैस एक्सचेंज जो है वो होने लगने लग रहा है, अगर ये नहीं होती तो होता ही नहीं। अमीबा के अंदर भी देखेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट बाद जो है वो साइटोप्लाज्म ही आ गया, तो हालांकि ब्लड वेसल होती नहीं है बट जो साइटोप्लाज्म आ चुका है तो उसको और किसी की जरूरत जो है होती नहीं है। लास्ट भाई, मॉइस्ट सरफेस। अगर आप हमारा सिस्टम देखोगे तो हमारा गला हमेशा गीला रहता है ताकि एयर जो पास होती रहे, तो एलोलाई जो है वो हमेशा जो है लिटिल बिट जो है मोइस्ट जो है वो रहती है। गिल देखोगे वो भी मोइस्ट रहते हैं, अर्थवर्म का देखोगे तो वो भी मोइस्ट एरिया के अंदर ही रहते हैं, कॉकरोच का भी ऐसा ही है, वो भी अंदर से मोइस्ट होते हैं। इसके अलावा अगर आप अमीबा का देखोगे तो वो तो पानी के अंदर रहता है, तो यानी कि चाहे ऑर्गेनिज्म अलग हो, उसके अंदर ऑर्गन चाहे भले ही अलग हो, लेकिन उसके अंदर तीन कॉमन चीजें जो है वो जरूर होगी अगर वो रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करने लग रहा है। हाई सरफेस एरिया, हाई वास्कुलर सरफेस का होना, मॉइस्ट सरफेस का होना है, तो ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर भी जो है ये आ जाती है, इसको याद रखना। अच्छा, एक जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है और जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है वो लिटिल बिट ज्यादा एडवांटेजियस है एज कंपेयर टू एक्वेटिक, बिकॉज जो एक्वेटिक है उसके अंदर वॉटर प्रेजेंट होता है। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या है, लैंड, यानी जो लैंड के ऊपर रहते हैं, तो लैंड पे ऑक्सीजन काफी ज्यादा है, एंड वाटर के अंदर देखें तो ऑक्सीजन जो है वो रिलेटिवली कम है, तो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होगा वो ज्यादा ब्रीदिंग करेगा, ब्रीदिंग इनकी हाई होगी, जबकि जो टेरेस्ट्रियल पे होगा उसकी जो ब्रीदिंग है वो कम होती है कंपेयर टू एक्वेटिक। कारण क्या है,
कि ऑक्सीजन की कमी है वाटर के अंदर, लेकिन जो एयर के अंदर है वहां पर ऑक्सीजन की कमी नहीं है। तो ये एडवांटेज है किसको, टेरेस्ट्रियल को लेकर। अच्छा, एनिमल्स की बात करें तो उनका तो रेस्पिरेशन अलग से दिख जाता है। क्या हमें बड़े बड़े प्लांट का कभी रेस्पिरेशन दिखाई देता है कि हाँ ये गैस एक्सचेंज जो है वो करने लग रहे हैं, क्या हमें दिखाई देता है? तो नॉर्मली हमें ये दिखाई नहीं देता है। तो क्या उनके पास लंग या फिर कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है? ना, नहीं होता। ठीक है, इतनी बड़ी बॉडी और एक भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं, हाउ इट इज पॉसिबल? क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट हैं वो सारे के सारे रेस्पिरेशन करते हैं, जैसे लीव्स। कैसे रेस्पायर करेंगे? स्टोमेटा के थ्रू। जैसे स्टेम, वो कैसे रेस्पायर करेगा? रेस्पायर बाय लेंटी सेल। लेंटी सेल क्या होते हैं? जो स्टेम है उसके अंदर छोटे छोटे स्पेसीज होते हैं जिसको बोलते हैं लेंटी सेल। एंड जो लीव्स है उसके अंदर स्टोमेटा, स्टोमेटा के बारे में आप पढ़ चुके हैं। जो रूट है उसके अंदर ये रेस्पायर करते हैं बाय रूट हेयर। अच्छा, फ्रॉम दी सोयल गैप्स। सोयल के अंदर छोटे छोटे गैप होते हैं जहां पे एयर जो है प्रेजेंट होती है। तो जो रूट हेयर है वो सोयल के अंदर उन्हीं गैप्स को लेती है। अब हमें ऊपर से क्या दिखाई देता है, भाई ये पेड़ है और इसके नीचे ये रूट गई हुई है, ये इसके रूट हेयर है, डैश दिखाई देता है, बट एक्चुअली है नहीं। जो रूट है, जो पार्ट, जो सोयल पार्टिकल के बीच में प्रेजेंट होते हैं, उसके बीच में गैप होते हैं। तो यहाँ पर एयर स्पेसिस हैं और इन एयर स्पेसिस के द्वारा ये ऑक्सीजन लेता है एंड फिर वो सर्कुलेट जो होती है। यानी कि रूट अपना अलग से रेस्पिरेशन करने लगे, स्टेम अपना अलग से रेस्पिरेशन करने लग रहा है, और जो लीव्स है वो भी अपना अलग से रेस्पिरेशन करने लग रहे हैं। अब चूंकि ये सभी अलग अलग तरीके से रेस्पिरेशन करने लग रहे हैं, तो इसी वजह से एज एन सेपरेट इनको रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जो है वो जरूरत नहीं है। जो स्टोमेटा है वो ओपन क्लोज हो सकते हैं बाय द गार्ड सेल, बट जो लेंटी सेल है वो हमेशा ओपन रहते हैं। रूट के अंदर जो रूट एयर है उसके द्वारा जो है ये गैस एक्सचेंज जो है वो कर लेते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन ना होने का कुछ और भी कारण है भाई, रीजंस फॉर नॉट हैविंग रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन प्लांट्स। प्लांट के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन ना होने का एक कारण भाई, प्लांट जो है आर ससाइल, एक ही जगह पे खड़े रहते हैं। तो अगर आप चलोगे तो आपको सांस ज्यादा चाहिए, लेकिन आप खड़े रहोगे या सो जाओगे तो आपको जो है सांस जो है वो कम चाहिए। तो इसी वजह से प्लांट एक ही जगह पे रहते हैं तो उनको रेस्पिरेशन करने की जरूरत जो है रिलेटिवली कम होती है। एवरी ऑर्गन परफॉर्म इट्स ओवन रेस्पिरेशन। भाई हमने देख ही लिया, स्टोमेटा भी करने लग रहा है, लेंटी सेल भी करने लग रहा है, स्टेम के रूट के हेयर भी करने लग रहे हैं। एक क्वेश्चन और आ जाता है कि अगर एक टेरिस्ट्रियल प्लांट को अगर काफी ज्यादा एक दलदली सोयल के अंदर, यानी कि वाटर लॉक्ड सोयल के अंदर अगर रखा जाए, तो उस प्लांट का क्या होगा? वो प्लांट मर जाएगा। कारण क्या है? रूट जो है वो सांस नहीं ला ले पाएंगे, यानी रेस्पिरेशन उसका नहीं होगा, जिसकी वजह से उसकी जो है डेथ हो जाएगी। थर्ड भाई, लार्ज नंबर ऑफ डेड टिश्यू प्रेजेंट इन प्लांट्स। तो प्लांट के अंदर डेड टिश्यू ज्यादा है, जैसे स्क्लेरेनकाइमा उसके अंदर ज्यादा है, जाइलम उसके अंदर ज्यादा है,
तो जाइलम काफ़ी ज़्यादा होती है, उसी वजह से वोड बनती है। तो जब डेड टिश्यूज ज़्यादा होंगे तो रेस्पिरेशन की रिक्वायरमेंट भी जो है कम होगी। सो आई एम होपिंग आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ एनी डाउट तो आप कमेंट करें, ठीक है, या फिर व्हाट्सअप करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।